कि मैं करूंगा, वो क्या मैं करूंगा। माधवानंद जी ने कहा यार क्यों झगड़ा करो, एक चरण तुम ले लो, एक चरण तुम ले लो। उन्होंने कहा अच्छी बात है। एक दिन सोए सोए माधवानंद जी ने एक चरण दूसरे चरण पे रख दियो। तो वाने के एक हटा तेरा चरण, भाई मेरा चरण नहीं है, गुरुजी का चरण है, मैं कुछ नहीं जानू, मेरे चरण पे तेरा चरण कैसे आ गयो। मैं क्या करूं, गुरुजी ने दर जान के कैसे नहीं हटाएगा, ले डंडा मारियो चरण से। माधवानंद जी बिचारा रात को सोते सोते घबरा गयो कि क्या लफड़ा हो गयो। भयो क्या, बोले या को चरण मेरे चरण पे आ गयो। अरे वो चरण तो दोनों मेरे है के तेरे है। ते माधवानंद जी के जो चेला हो ना वो ऐसे हो जाए। एक चरण को डंडा मारे, जो उनने पकड़ लिया वही चरण सच्चा चरण। ऐसे नहीं है भाई, दोनों चरण है प्रभु के। एक चरण सत्संग है, भौतिक चरण है प्रभु को। एक चरण भागवत है, वो भी भगवान का भौतिक चरण है। एक चरण जो है वो ज्ञान है, वो तुम्हारी बुद्धि को मजबूत बनानी पड़ेगी। ऐसे प्रमेय मार्ग करके ज्ञान ज्ञान से अपने से क्या संबंध नहीं चलेगा यार। तुम भगवान के चरण पर डंडा मारोगे कैसे पुष्टि मार्गी हो। दोनों चरण के चरण स्पर्श तुमको करने ही पड़ेंगे, तो डंडा थोड़ी मारोगे एक चरण पे। ज्ञान को भी चरण है प्रभु को, और भक्ति को भी चरण है प्रभु को, और जो तुम्हारे माथे पे ठाकुर जी विराज रहे हो, महाप्रभु जी कहें कि वाको वो आदि दैविक चरण है तुम्हारे पास। ऐसे छो छह चरण तुम्हारे पास मौजूद है, उन छो छह चरण को तुम पकड़ो, तब ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य युत धर्मयुत भगवान, ये षट धर्म युत भगवान के चरण तुम पकड़ लोगे, बस फिर तुमको कभी कोई लफड़ा नहीं हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझो। थोड़ा अपन इंटरवल लिया कर ले, फिर अपन आगे को करेंगे। विषय को अपन ने संग कियो, और ठाकुर जी कृपा से दो श्लोक अपन पहुंचे। कल अपन अनुकूले कलत्रादो विष्णु कार्याणी कार्य को पहले सत्र में और दूसरे सत्र में अनुकूल से संकल्प करने को टेंटेटिवली सोच रहे हैं, पर जिन जिन को ये तीन दिन के दरमियान जो जो प्रश्न असमाहित रहे हों वो निसंकोच पूछें। कई लोग मेरे कान में आके पूछ रहे हैं या को क्या समाधान, वाको क्या समाधान, तो क्यों कान में पूछ रहे हो। सबके बीच में पूछो, लेट अस शेयर। अपन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं अपने प्रश्न को भी और अपने जवाब को भी। हमें कान में खुसर पुसर की कोई जरूरत नहीं है। वेल डन। मेरे दो प्रश्न है, एक करके पूछो। हाँ। एक प्रश्न तो ग्रह त्याग को जो विषय चले हो तो वाके ऊपर को है। हमें ये प्रश्न है कि जैसे यहाँ आपने बताया कि क्रम सर्वात्मना त्याज्यम, ये जो महाप्रभु जी को वचन है, या को अपन को वर्णनात्मक वचन लेना है, आज्ञात्मक नहीं लेनी है। या मैं ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई व्यक्ति घर में सेवा नहीं कर पा रहे हो, जैसे व्यावृत्त जीव है, तो वाके लिए ग्रह त्याग नहीं संभव ही नहीं है। तो आपने बताया कि कथा पक्ष जो बताया हुआ है वहां प्रणाली से वाको भक्ति का वर्धन करना चाहिए, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो ग्रह सर्वात्मा त्याज्यम कही है, यासु जो सेवा नहीं निभ रही है घर में वास्तिति में, तो एक बार जैसे सांसारी जीव जैसे रह रहे हैं वा दृष्टि से, तो जाकू भक्ति की चाहना है वाकू नहीं रहना चाहिए। यासु महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में अतस्ते मरिस्थान तदीय तत्परी वो कल बताया हुआ है, तो वहां भी मतलब सामान्य ऋषु ग्रह में रहवे की बात तो नहीं है, थोड़ो ग्रह त्याग तो है ही वास्तविक में भी। यासु बिल्कुल अपन ने कह कि नहीं बस ग्रह त्याग मत ही करो और जैसे रह रहे वैसे ही रहो, अगर सेवा नहीं कर सक रहे हो घर में तो ऐसे तो आपको नहीं कह सके। ये एक पहला प्रश्न। देखो ऐसी बात है बाबा के या को अपन दो एंगल से देखेंगे, बल्कि तीन एंगल से देखेंगे या आपके सारे प्रश्न को, तो सारी बात साफ हो सकेगी। जहां मैं सबसे पहला एंगल अपने को यह देखना पड़ेगा कि विधि मीमांसा के तहत यह वचन को नेचर क्या है। तो यदि मुझको बहुत खुशी हुई कि आपने ये प्रश्न किया, या के लिए भूरिशा आपको अभिनंदन। तो विधि मीमांसा के तहत यदि अपन या वचन में
आज्ञा मान रहे हैं, तो स्थिति क्या हो रही है? देखो, सारे पुष्टि मार्ग को सिद्धांत के पायाएं हिल रहे हैं। क्यों? कि ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं कि हर प्रयास करके घर को छोड़ो, और यदि छोड़ नहीं पाते हो तो कृष्ण सेवा करो। तो फर्स्ट ऑप्शन महाप्रभु जी घर छोड़ने को कह रहे हैं, एज इफ घर छोड़ना बहुत बड़ी बात है। और वो नहीं कर पाते हो तो जैसे फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले एनरोल किया जाए, फिर वो सारी सीटें भर जाएं, तो चलो अपन के सेकंड क्लास के भी स्टूडेंट्स आओ, ऐसे कृष्ण सेवा सेकंड क्लास में आएगी। तो विधि मीमांसा के तहत यदि आपको अपन ने आज्ञा मानी, तो महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथ सु मैं बाल बोध सु लेके सेवा फल तक जो एक लाइन ऑफ थॉट डेवलप करी है वो सारी छिन्न भिन्न हो जाएगी। या पंचश्लोकी पे आके एक सेकंड, तो यहां अपने को आज्ञा मानेंगे तो प्रथम आज्ञा ये हो जाएगी और द्वितीय आज्ञा कृष्ण सेवा की होगी जो गौण आज्ञा हो जाएगी। मतलब ग्रह त्याग मुख्य कल्प और कृष्ण सेवा वाको अनुकल्प सिद्ध होगा। जैसे ये काम करो और वो नहीं कर सकते हो तो फिर ये करो। तो विधि मीमांसा के तहत यहां आज्ञा मानने पे प्रकरणा संगति दोष पैदा हो रहा है कि जो प्रकरण है उपदेश को वास्तव असंगत उपदेश होएगा। दूसरी बात जो यह है कि भक्तिवर्धनी के तहत महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जासु जो व्यावृत्त है और व्यावृत्त होने के कारण अपने घर में भगवत सेवा नहीं कर पा रहे हो, माने जो बहुत व्यस्त है जीव, बाकी लाइफ बाकी जीवन शैली इतनी व्यस्त है कि सेवा करने जाएगा तो प्रभु को परिश्रम ही होएगा, तो वैसी व्यस्तता की शैली में वो चाहे शारीरिक व्यस्तता हो कि मानसिक व्यस्तता हो कि पारिवारिक मन व्यस्तता हो कि आर्थिक व्यस्तता हो कि कोई की थोपी भई व्यस्तता हो इम्पोज्ड अपने पे कोई तरह से, अपन कोई के अंडर में हो तो कोई अपने पे कोई व्यस्तता थोप ही दे, या को अपने पास कोई इलाज नहीं रह जाए। जैसे सर्कस के जानवर को बेचारे इनको व्यर्थ में ही सर्कस के रिंग मास्टर दौड़ाते ही रहे, उनको दौड़ना हो कि नहीं दौड़ना हो पर क्या करें, वो लाचार हैं। ऐसे अपन कोई रिंग मास्टर के जानवर हो गए हो तो भी व्यस्त हो जाए। तो वास्तविक में महाप्रभु जी ने कही कि अच्छा सेवा मत करो, वो कथा कल कथाकल्प कहो। और कथाकल्प कह के और महाप्रभु जी वहां ये आज्ञा कर रहे हैं कि या कथाकल्प सु जब तुम्हारो भक्ति को बीज भाव दृढ़ होके या व्यसन दशापन तुम्हारी भक्ति हो जाए तब तुम ग्रह को त्याग की तुमको छूट है। और ग्रह त्याग की छूट देने के बाद फिर से आचार्य चरण ने एक अबाउट टर्न किया है, वो आप ध्यान दोगे ना तो बहुत बात साफ हो जाएगी। वो अबाउट टर्न कैसे कियो कि तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम, पेज नंबर 44 देखो। तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम त्यागं कृत्वा यते यस्तु तदर्थार्थैक मानस लभते सुदृढ़ां भक्तिम सर्वतोप्यधिकां पराम। और या के बाद महाप्रभु जी अबाउट टर्न कर रहे हैं कि त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसर्गात तथा नत अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयै सह तत्परे अधूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तम न दुष्यति। तो ये जो आप बात कह रहे हो कि एक अनुकल्प और आया हो, वो आपको ख्याल है तो जब मैंने अधिकारी गिनाए थे तब मैंने कही थी कि वो कल्प मैं अभी छोड़ रहे हूं, यहां मैंने कही थी ना आपको याद हो कि वो कल्प मैं छोड़ रहे हूं, अभी वाकई नीचे एक और जा रही है बात पर मैं छोड़ रहे हूं। तो मैंने या ली अभी छोड़ी कि आगे बाकी चर्चा करनी है विस्तार से या कल्प की, या कल्प की चर्चा में अपन नहीं जाएंगे, पर जैसे अपन जाए वातर से जाएंगे, पर यह संदर्भ में एक बात स्फुटतया समझनी यह आवश्यक है कि ग्रह त्याग करके और यदि
तदीय को संग करना हो तो, तत्पर तदीय को संग करना हो तो ये बात आती नहीं त्यागे बाधक भूयस्तो दुस्संसर्गात तथा न तो है ना ख्याल में। आप कह रहे हो कि कोई तरह को ग्रह त्याग, तो कोई तरह को ग्रह त्याग के दो अर्थ पॉसिबल हो सके। अपने यहां तो नहीं है, पर ये थाईलैंड में बौद्धन में, थाईलैंड में बर्मा में बौद्धन में बड़ी अच्छी एक मजेदार प्रणाली है। एक महीना के लिए संन्यास, एक वीक के लिए संन्यास, दो साल के लिए संन्यास। दो साल के लिए संन्यास लेके चांद घुटा लें, सब अपने परिवार से संबंध तोड़ दें, और दो साल बाद फिर पाछे आ जाएं घर में थोड़ी रिफ्रेश होके। एक तरह का जैसे रिजोर्ट में अपन जावे ना, ऑलमोस्ट वो संन्यास के रिजोर्ट या तरह से कंडक्ट करें। तो यहां अपन कोई भी सिचुएशन में ऐसी तो कोई बात नहीं सोच सकेंगे कि महाप्रभु जी ऐसे कोई टेम्पररी कोई के ग्रह त्याग की यहां बात कोई सजेस्ट कर रहे हैं। क्यों? कि ध्यान से देखो, अतस्थेयम पाछो कह रहे हैं, मतलब ग्रह त्याग नहीं करके घर अपनो ऐसे ठिकाने बनाओ, ऐसी कुछ बात कर रहे हैं कि जाके कारण। सबसे बड़ी मजेदार बात यह भाई कि पुरुषोत्तम जी ने गृहस्थित्वा स्वधर्मता को अर्थ कियो गृहस्थाश्रम में, और वो वचन अपन नहीं लिख के दियो तो चर्चा सभा में, और वहां को इतना झंडा उड़ा दियो, डंडा जब ने नगाड़ा बजा दियो कि तो पुरुषोत्तम जी ने तो गृहस्थाश्रम कही है, घर में रहने को कही नहीं है। पर ऐसो कौन सो गृहस्थ है कि जो घर में नहीं रहते और गृहस्थ है? घर में नहीं रह रहे हो पर गृहस्थ है, ऐसे तो कोई ब्रह्म है विरुद्ध धर्माश्रय हो कि 16,000 रानी से ब्याह करने के बाद भी ठाकुर जी ब्रह्मचारी होते, घर में भी नहीं रह रहे और गृहस्थ भी है। तो गृहस्थाश्रम को मतलब यह है कि ऐसो आश्रम शास्त्र के द्वारा कि जो घर में रह के जो आश्रम के तहत धर्म को आचरण करना है, तो वो तो गृहस्थाश्रम कहने से घर में स्थिति आ गई है। अब वो गृहस्थित्वा स्वधर्मता में वही पाछी बात आ रही है करके पुरुषोत्तम जी ने गृहस्थाश्रम कह दियो। फिर मैंने कही कि भाई बहुत उद्यम कर रहे हैं तो भाष्य को वचन ला के रखो, कि भाष्य में पुरुषोत्तम जी ने यह बात को खुलासा कर दिया कि गृहस्थाश्रम को मतलब घर में रह के। तो वो कही कि वो भाष्य की जो पंक्ति है ना वो तो संदर्भोपात पंक्ति है, उसका भक्तिवर्धिनी से क्या संबंध है? भाई संदर्भ आपने नहीं देखे हो तो ये मेरो गुना, वो भाष्य को संदर्भ देख लो, भक्तिवर्धिनी कोई संदर्भ है, दूसरा कोई संदर्भ ही नहीं है। तो ये सब जगन्याधिकार की ऐसी सब चर्चाएं हुए, पर ध्यान से समझो कि जब अतस्थेयम महाप्रभु जी कह रहे हैं तो वही स्थ को पकड़ रहे हैं। अतस्थेयम हरिस्थाने मतलब अपने घर को वहां स्थित करो कि जहां आपको अपने घर में सेवा करने की सुविधा नहीं मिल रही है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर जो कोई सेवा कर रहे है वाको आपको पड़ोस मिल रहे है, वाको आपको साहचर्य मिल रहे है, वाको आपको लाभ मिल रहे है, वो सेवा कर रहे है तो वाकी परिचर्या को आपको लाभ देते हो तो वो लाभ मिल रहे है, वो कथा कर रहे हो तो आपको श्रवण को लाभ मिल रहे है, ये पूरा सत्संग वालों ही पक्ष है पाछो। यहां एक बात ध्यान समझो कि अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय सह तत्परे, ये वो सत्संग में जो सत्य है उनकी यहां परिभाषा है कि वो सद्भिस सह कर्तव्य वो कैसे होने चाहिए कि जो तदीय होए और तत्पर होए उनके साथ रहो, अपने घर को या तरह से ऑर्गेनाइज करो यदि कर सकते हो तो, वो भी नहीं कर सकते हो तो घर में बैठ के कथा करो, वो भी नहीं कर सकते हो तो महाप्रभु जी अनुकल्प यहां खत्म नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी अनुकल्प कर रहे हैं कि यार तीर्थ यात्रा करो, छोड़ो घर में रह के, माने गृहस्थाश्रम मत त्यागो पर घर में रहना छोड़ दो और यात्रा करनी शुरू करो। वो भी नहीं संभव हो तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसे बैठ के ऐसे शरणागति की भावना करो जो आगे आएगी। तो ये सारे कंटिन्यूस बहुत सारे विकल्प और अनुकल्प महाप्रभु जी ने सजेस्ट यहां किए हैं वचनन की संगति के हिसाब से देखें तो। और तीसरी बात जो यहां में यह है कि सेवायाम वा कथायाम वा, तो एक बात ध्यान से समझो कि परिचर्या टेक्निकली सेवा अपने यहां है नहीं, प्रभु सेवा नहीं है। अतस्थेयम हरिस्थाने तदीय सह तत्पर अधूरे विप्रकर्षे वा में जो परिचर्या की बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं वो ठीक है कि वो
आज